हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश मेहरा कर्ण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं। टॉपिक्स के तहत यदि हम बात करें तो अपना पहला टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में प्रारंभ हुआ था भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं उनमें से किसी भी साहित्यिक कृति के लिए पुरस्कार दिया जाता है और सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था। और पहली महिला जो है यह श्रीमती आशापूर्णा देवी, इनको 1974 में मिला था बांग्ला भाषा के लिए। वर्तमान में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2018 में अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले साहित्यकार हैं। पहली बार इंग्लिश के लिए किसी साहित्यकार को ये प्राइज मिला है तो महत्वपूर्ण है ये। और पुराने पेपर देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि पुरस्कारों के संबंध में क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें यदि मैं एक सदाबहार क्वेश्चन की बात करूँ, ग्रेमी अवार्ड के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ग्रेमी अवार्ड जो मिला हुआ है ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ये आप ध्यान रखें और इसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बात करूंगा ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी की स्मृति में हम 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसके तहत हम प्रवासियों को संबोधित करते हैं। जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो अन्य देशों में रहते हैं, हम उनको संबोधित करते हैं और उन्हें भारत में इन्वेस्ट करने के लिए या भारत आने के लिए या भारत में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वर्तमान में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है वो 15वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, जो कि जनवरी 2019 में वाराणसी में आयोजित किया गया है। यहाँ आप एक बात ध्यान रखें, इस प्रवासी भारतीय दिवस पर जो हमने मुख्य अतिथि बुलाए हैं वो है प्रविंद जगन्नाथ। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आगामी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे ये। अब मेरा तीसरा टॉपिक है 14वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट पुरुष वर्ग। 14वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट पुरुष वर्ग 2018, ये नवंबर और दिसंबर 2018 में इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में। इसको याद रखें, टिक रखें इसको, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, भारत ने इसकी मेजबानी की थी तो महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद ये बात आती है कि विजेता कौन रहा। इसमें बेल्जियम विजेता रहा है और नीदरलैंड उप विजेता रहा है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं 2-3 सालों से जब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर मैं देखता हूँ तो मैंने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि 14वां विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट बेल्जियम ने निम्न में से किस देश को हरा कर जीता है, तो आप इस पर ध्यान रखें। तीसरा मेरा टॉपिक है एक रिपोर्ट है, एक रेटिंग एजेंसी है क्रिशिल, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। ये जो रेटिंग एजेंसी क्रिशिल है, इसने अभी भारत के जो 17 राज्य हैं इनकी एक सूची जारी की है, जिसमें ये बताया है कि आर्थिक विकास दर किसकी ज़्यादा है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास दर है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जीडीपी किस राज्य की है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको, ये बिहार की है 11.3%। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 11.2%। तीसरे नंबर पर गुजरात है 11.1%। ये याद भी रह जाएंगे क्योंकि 0.1 0.1 का अंतर है इसके अंदर। सबसे लास्ट में जो 17वां राज्य है वो है झारखंड। और आरपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का 9वां स्थान है और आर्थिक विकास की दर है 7.2%। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स के बारे कुछ टॉपिक्स के बारे में अपने हमने चर्चा की। अब मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जिसमें मेरा पहला फैक्ट है 3 दिवस। मेरा पहला दिवस है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दिवस मनाया जाता है। दूसरा दिवस है राष्ट्रीय मतदान दिवस, 25 जनवरी को मनाया जाता है, मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक बनाना। तीसरा दिवस आप भली भांति जानते हो, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें, इस साल 26 जनवरी 2019 को जो मुख्य अतिथि हैं वो है साइरिल रामापोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, दूसरा मेरा फैक्ट ये है कि विश्व बैडमिंटन संघ की एक वर्ल्ड टूर फाइनल प्रतियोगिता होती है, जिसमें पीवी सिंधु विजेता रही है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय है। अब तीसरा मेरा जो फैक्ट है वो ये है, भारत के नए आर्थिक सलाहकार, नए प्रधान आर्थिक सलाहकार चुने गए हैं, सुब्रमण्यम कृष्ण। तो सुब्रमण्यम के नाम से आप याद कर लीजिए इनको, ये इंपॉर्टेंट है। अब यदि नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं तो एक चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक रिलीज हुई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट फैक्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 चुनी गई है सिरी सेनी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। तो दोस्तों, हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा की। अब मैं आगामी वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैंने न्यूज़ में सुना कि नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भारत रत्न पर होगा। भारत रत्न क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कौन देता है, किस क्षेत्र में देते हैं, अब तक किन लोगों को मिल चुका है, कौन से विदेशी है, कौन कौन से भारतीय भारतीयों को जो मिल चुका है, मरणोपरांत कब से प्रारंभ हुआ, क्या होता है भारत रत्न का प्रतीक चिन्ह, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, और आगामी जो आपके जो ये टेस्ट वगैरह होंगे, एग्जाम होंगे, उनमें फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। नमस्कार।